नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बताएंगे आपको पीएम आवास योजना के बारे में। जो जो लखनऊ और शारदा नगर विस्तार और बसंत कुंज योजना में जो पीएम आवास योजना के मकान एलडीए के द्वारा बनाए गए थे और जिनका आवंटन पत्र बांटा गया था, तो दोस्तों एलडीए ने इसके लिए लोन कैंप भी लगाया था और लोगों को कई लोगों ने उसमें अप्लाई किया था और उनको लोन की सुविधा भी उपलब्ध हुई है एलडीए के द्वारा बैंकों के माध्यम से। तो दोस्तों मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों को जो उन्होंने लोन के लिए अप्लाई भी किया था तो उनको अभी तक लोन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है, जो ये पीएम आवास योजना के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा था और जिनको आवंटन पत्र मिल गया था। तो दोस्तों बहुत कोशिश करने के बाद भी उनको लोन नहीं हो पाया है इन मकानों के लिए। तो ऐसा इसलिए हो सकता है दोस्तों, कहीं आपका सिविल स्कोर तो खराब तो नहीं है, बैंक ये इसी सिविल स्कोर को देख के ही लोन करता है, या आपने पहले कोई छोटा मोटा लोन लिया है, मोबाइल लोन लिया है या कुछ गाड़ी फाइनेंस करवाई है या कुछ भी करवाया हो, फाइनेंस पे लोन लिया है और उसकी किस्तें आपने सही से नहीं चुकाई हो जिसकी वजह से आपका सिविल स्कोर खराब हो गया हो। इसी बैंक सिविल स्कोर को देख के ही लोन करता है। नॉर्मली 650 से बैंक आसानी से लोन कर देता है अगर आपका सिविल स्कोर 650 के आसपास है। अगर 650 से नीचे है तो काफी मुश्किल पड़ती है, बैंक आसानी से लोन नहीं करता है। अगर 600 के एकदम नीचे है तो बैंक बिल्कुल भी लोन आपको नहीं करता है। तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो पहले आपने जिन लोगों ने अपने जो सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे हैं कि उनका बैंक लोन नहीं कर रहा है, तो पहले आप ये चीज पता कर लें कि क्या आप क्या कि किस वजह से आपको बैंक लोन नहीं कर रहा है। क्या आपका सिविल स्कोर खराब है या आपका सिविल स्कोर कितना है? जिन लोगों ने पहले कभी भी कोई भी लोन नहीं लिया है दोस्तों किसी भी तरह का, तो उनका सिविल स्कोर -1 होता है। तो -1 वालों को भी बैंक लोन कर देता है क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई भी लोन नहीं लिया है। लेकिन और जो लोग पहले से कोई लोन छोटा मोटा लोन चलाए हैं और उसकी किस्तें आसानी से जमा कर दिए हैं पूरी बिना कोई देरी के, तो दोस्तों बैंक उनको बहुत तुरंत आसानी से लोन कर देता है। तो ये दोनों तरीके से बैंक लोन करता है। अगर किसी का सिविल स्कोर बहुत खराब है तो बैंक उनको लोन नहीं करेगा। तो पहले जिन लोगों को लोन नहीं हो पा रहा है पीएम आवास योजना के लिए, तो आप जाकर बैंकों में पता करें कि आपका कहीं सिविल स्कोर की वजह से तो बैंक लोन नहीं कर रहा है, और अगर इसकी कोई वजह नहीं है तो आप वो वजह जानने की कोशिश करें कि क्यों बैंक आपको लोन नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी में जो ऑल का ऑप्शन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।